रूरा कस्बे में धूमधाम से मनाया गया मुहर्रम का त्यौहार। इस त्यौहार में मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई। हर गली से ताजिया निकाला गया। रूरा पुलिस की तरफ से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। थाना अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अब्बास गंगाधर, गुर्जर सिपाही सुनील कुमार सिपाही आदि थाना स्टाफ मौजूद रहा। कानपुर देहात से उदय प्रकाश की रिपोर्ट। जनपद में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी। सड़क किनारे खेत में पानी लगा रहा किसान के ऊपर जा गिरी बस, मौके पर किसान की मौत। समय पर ब्रेक न लगने से हुआ हादसा। सवारियों का आरोप कि ड्राइवर था नशे में धुत। बस में 20 लोग थे सवार, हादसे में 10 लोग घायल। रूरा से कानपुर जा रही थी बस। गुस्साए किसान के परिजनों ने शव को सड़क पर रख रूरा शिवली मार्ग जाम किया। समय पर नहीं पहुंची शिवली पुलिस। कोतवाली शिवली क्षेत्र के रूरा शिवली मार्ग की घटना। कानपुर देहात से उदय प्रकाश की रिपोर्ट। दुधवा टाइगर रिजर्व के होनहार हाथियों के दल को मंगलवार को पार्क प्रशासन ने भव्य दावत दी। दावत से पहले सभी हाथियों को नहला धुला कर दुल्हों की तरह तैयार किया गया। इसके बाद पार्क प्रशासन ने हाथियों के स्वास्थ्य व पसंद के मुताबिक उनके लिए विभिन्न सब्जियां, फल, चारा के अलावा स्वीट डिश पेश की। एफडी संजय पाठक व डीडी मनोज सोनकर ने पहले हाथी को अपने हाथों से फल खिलाया, जिसके बाद हाथियों के दल की दावत शुरू की गई। दावत में अपनी मनपसंद डिश कब सभी हाथियों ने जमकर आनंद लिया। ये जो हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण का तीसरा चरण था और बड़े ही हर्ष का विषय है कि सारे के सारे जो हमारे हाथी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ पाए गए हैं। किसी को भी कोई गंभीर किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है। और जो ये प्रक्रिया है, ये तीसरा चरण था जिसमें कि इनको डीवर्मिंग करने का प्लस जो मिनरल्स का जो सप्लीमेंट है वो देने का, मल्टीविटामिन देने का, ये सब सिलसिला किया गया है। तो सारे के सारे हाथी स्वास्थ्य परीक्षण में जो है बहुत ही अच्छा आया है परिणाम, और सब के सब स्वस्थ हैं। और उसी का समापन समारोह है तो उसके अवसर पर जो है दावत का आयोजन किया गया है, जिसमें इनको तरह तरह की जो चीज़ें हैं जो इनको पसंद हैं वैसी चीज़ें जो बाज़ार में अभी सीजनल तौर पर उपलब्ध हैं, कुछ चीज़ें जो उपलब्ध नहीं थी वो लखनऊ वगैरह से भी मंगाया गया, इनको मतलब जो है आज परोसा गया है। इनकी पूरी मेहमान नवाजी खातिर तवज्जो की जा रही है। सर दुधवा में इस समय सर हाथियों की क्या संख्या है? सर हाथी हमारे पास जो डोमेस्टिक एलिफेंट हैं वो 23 हैं कुल मिला के यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग में। जी जी। और दो हाथी जो है वो कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में है, तो कुल मिला के 25 हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के पास। अभी तक इंसानों की दावतों के लिए विभिन्न परियोजनाओं को करते हुए लोगों ने देखा। कभी किसी ने अपने चहेते जानवरों को कोई दावत दी हो, शायद ही किसी ने सुना हो। जी हाँ, दुधवा टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानियों की सैर सपाटा, जंगल व जंगल के वन्य जीवों व वनस्पति की सुरक्षा के लिए होनहार हाथी तैनात है। दुधवा में हाथियों के स्वास्थ्य चेकअप के लिए शनिवार से 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के अंतिम दिन मंगलवार को पार्क प्रशासन ने हाथियों की भव्य दावत का आयोजन किया। सबसे पहले हाथियों को नहलाया गया, इसके बाद उनको सजाया गया और फिर अधिकारियों से अतखेलियों के साथ दल की दावत शुरू की गई। दावत में अपना मनपसंद भोजन रखा, देख हाथियों ने भी देरी नहीं की और पूरी चाव से जमकर दावत उड़ाई। लखीमपुर खीरी से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तक आपने इंसानों की बहुत सी दावतें देखी होंगी, लेकिन लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पार्क प्रशासन ने हाथियों की भव्य दावत का इंतजाम किया, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इन हाथियों के पसंदीदा भोजन पलिया शहर के अलावा लखीमपुर व लखनऊ से भी व्यवस्था की गई। इस दौरान पार्क प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दावत का भी हाथियों ने जमकर लुत्फ उठाया। 24 हार्स टुडे से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र मऊज मचक के एक बीएसएफ जवान का जहरीला सांप काटने से मौत हुई। बीएसएफ जवान मोहम्मद इब्रार खान जम्मू कश्मीर हंडवाड़ा एलओसी बॉर्डर पर तैनात थे। वही सोने के दौरान बंकर में एक जहरीली सांप ने काट लिया। बारिश के कारण उपचार में देरी होने से मौत हो गई। देर रात सेना के जवान द्वारा मोहम्मद इब्रार खान का शव अपने मऊज मचक निवास पर लाया गया। जवान का शव देखते ही परिजन एवं गाँव में सन्नाटा छा गया एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और काफी संख्या में देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी की आंखें नम दिखाई दे रही थी। सेना खान के शव को जनाजे की नमाज अदा कर गणीचक कब्रिस्तान में दफन किया गया। इस दौरान जगदीशपुर अंचल अधिकारी हबीबपुर थाना अध्यक्ष
इनामुल्ला अपने दल बल के साथ मौजूद थे। भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की रिपोर्ट। मोहम्मद इब्रार खान, एएसआई मोहम्मद इब्रार खान, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा एलओसी पर पोस्टेड थे जी, ये बंकर में सो रहे थे और बंकर में इनको स्नैक बाइट हो जी हुआ। स्नैक बाइट के बाद बंकर से इनको फास्ट एड मिलना चाहिए समय पे, ये फास्ट एड क्विक एक्शन नहीं हुआ, डिले हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था वहाँ पे नहीं था। हेली से पेशेंट को लाया जाना चाहिए श्रीनगर या फिर दिल्ली, तो वो चीज़ नहीं हो पाया। वहाँ से फिर श्रीनगर लाया, श्रीनगर आर्मी बेस हॉस्पिटल, आर्मी बेस हॉस्पिटल ने इसको रेफ़र कर दिया एम्स के लिए, AIIMS दिल्ली। तो श्रीनगर में दो दिन इन्हें हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं होने की वजह से श्रीनगर दो दिन रेफ़र करने के बाद रुकना पड़ा। तो दो दिन रुका, उसके बाद फिर AIIMS में लाया, जब तक ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, जो इनके ब्लड का सेल डेड हो गया। क्या नाम था इनका? इनका नाम ASI मोहम्मद इब्रार खान। क्या बाल बच्चे हैं इनको? इनको दो लड़का है दो लड़की है। क्या नाम है लगेगा? बड़ा लड़का है राजा हाफिज खान, उसके बाद एक लड़की है रानी परवीन, जिनकी शादी हो चुकी है। सीहोर के आष्टा के बरखेड़ा गांव में बारिश बनी मुसीबत। प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए जननी एक्सप्रेस 108 तो आ गई थी, पर गांव और कॉलोनी के बीच एक नाला उफान मार रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। प्रसूता को 108 वाहन तक जाने के लिए नाला पार करना नामुमकिन था, पर गांव के युवक उस प्रसूता के लिए फरिश्ता बनकर आए। युवकों ने प्रसूता को खटिए पर लेटाकर नाला पार कराया और 108 तक पहुंचाया, तब जाकर प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया। अगर शासन गांव और कॉलोनी के बीच रपटा या पुल बनवा देती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। ग्रामीणों ने बताया कि रपटे के लिए शासन से कई बार अवगत करा चुके हैं कि बारिश के समय बच्चों को नाला पार कर स्कूल भी जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक नहीं सुनी गई। शायद शासन को किसी हादसे का इंतजार है। क्या है बदलाव के लक्षण? क्या गांवों को आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं? क्या गांव में पीने का पर्याप्त पानी है? क्या गांव में चिकित्सा नालियां और सड़कें दुरुस्त हैं? इन सभी मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं आपके द्वार, आपके सरपंच के साथ। सिर्फ ये नहीं बनाओ।